नमस्कार दोस्तों, नए से वीडियो में स्वागत है आपका। मैं अभी पौंडीचेरी में हूँ और गोबट मार्केट आया हूँ। बहुत ही फेमस लोकल मार्केट है। थोड़ा इस मार्केट के बारे में मैं आपको दिखाता हूँ और ये अभी मैं जाने वाला हूँ, थोड़ी ही दूरी पे है। तो चलिए कैमरा को करता हूँ बैक ताकि आपको गोबट मार्केट अच्छी तरह दिखा सकूँ मैं कि लोकल मार्केट में क्या क्या बिकता है यहाँ पर। और बहुत ही फेमस मार्केट है, MG रोड के पास में है। तो ये अभी हम गोबट मार्केट की तरफ जा रहे हैं और बिल्कुल MG रोड, जो भी पौंडीचेरी में आएगा वो तो MD रोड जानता ही होगा। बहुत ही फेमस जगह है, जवाहरलाल नेहरू स्ट्रीट बोर्ड पे लिखा हुआ है, उसको पढ़ के बोल रहा हूँ मैं। यहाँ का लोकल नहीं हूँ तो मुझे उतना पता नहीं है। चलिए देखते हैं। और बाहर ये रंग बिरंगे घर को सजाने के लिए पार्टी का सामान। है गोबट मार्केट का एंट्रेंस, इसके कई गेट हैं, मेन गेट कुछ अलग ही है तो बाहर से कुछ ऐसा दिखता है। और इसके बारे में मैंने सुना था कि लोकल मार्केट है और बहुत ही सस्ता सामान यहाँ पे मिलता है और फ्रेश मिलता है। चलिए देखते हैं। पूरा एक चक्कर मारने वाला हूँ मैं इसका। तो मार्केट हमारे ही तरह के जैसा है बट सामान डिफरेंट है। यहाँ पे अभी भी आम मिल रहा है इस सीजन में। इधर फूलों की गली है, फूल मिलते हैं इधर। मैं पूछ नहीं सकता हूँ कैसे है क्या है, रेट भी नहीं लगा हुआ है। यहाँ पे फूल ही बहुत ज़्यादा ही बिकते हैं फूल, और फूलों की क्वालिटी आप देख ही सकते हैं। गुलाब है, गुलाब छोटा है। ज़्यादा दूर तक नहीं जाऊँगा मैं, अभी खाली खाली मार्केट है, पता नहीं क्यों, शायद शाम को भीड़ होता होगा यहाँ पे। बहुत बड़ा मार्केट है गोबट मार्केट और लगभग सारी क्वालिटी यहाँ पे मिलती है। तो इधर केवल पूजा पाठ वाला सामान है, आप देखिए कैसे। तो मैंने एक वीडियो बनाया था कलकत्ता के ऊपर जिसमें कि फूल का मार्केट दिखाया था, और एक मार्केट ये पौंडीचेरी में है। अगर पौंडीचेरी में आपको फूलों की जरूरत है तो आप यहाँ पे आ सकते हैं। प्याज है, शिमला मिर्च है, बट यहाँ पे इस मौसम में आम है। कुछ अलग सी सब्जी दिखाने की कोशिश करता हूँ जो कि हमारे तरफ देखने को नहीं मिलता है। और पान के पत्ते इधर बहुत ज़्यादा बिकते हैं, देखिए। अगर इधर चलते हैं तो इधर केवल केलों का पत्ता बिकता है, केले के पत्तों का इधर बहुत ज़्यादा सेल है क्योंकि हर होटल में, रेस्टोरेंट में केले के पत्तों का इस्तेमाल होता है। तो अभी तक मुझे ऐसी कोई सब्जी दिखी नहीं है जो कि अलग से है, बट कुछ सब्जियां हैं जिनको मैं आपको दिखाता हूँ। तो इसी मार्केट के बीच में एक चर्च है शायद, अब किसी से बात नहीं कर पाता हूँ। बाकी लोग तो कम्युनिकेट कर लेते हैं बल्कि मैं ही कोशिश नहीं करता, और जो भी लिखा हुआ है तमिल भाषा में लिखा हुआ है। तो मार्केट के बीचों बीच एक चर्च है। जो कि बहुत ही एक अच्छा देखने में लग रहा है, इतने भीड़ भीड़ मार्केट में एक चर्च।
और यहाँ पे चूड़ा की क्वालिटी है। एक तरफ राशन की दुकान है और एक तरफ सब्जी की दुकान है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बाहर की तरफ जा रहा हूँ, लेकिन फिर एक टर्न लूंगा। तो इस गली में चलते हैं। इधर क्या है, इधर भी राशन की दुकानें हैं, बड़ा भुलभुलैया टाइप का है। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो रहा है, बट माफ़ कीजिएगा, आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ ताकि कोई भी चीज़ छूट ना जाए, और जितना जानकारी है उतना बता रहा हूँ आपको। तो ये आगे मसालों की तरफ, बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से बना हुआ है, चारों तरफ गेट है। और इन सब चीज़ों को जब भी मैं देखता हूँ तो मैं बिहार के बारे में सोचने लगता हूँ कि वहाँ का सब्जी मार्केट कैसा है, वहाँ का बस स्टैंड कैसा है। कोई प्लानिंग नहीं, कुछ नहीं, जिधर दिल किया उधर बना दिया। यहाँ बाकी बाजारों के बीच में नाली भी है। तो अभी आ गए हम फिश मार्केट की तरफ, और चारों तरफ से गेट है निकलने के लिए, ऐसा नहीं कि एक ही गेट है, आप जिधर से चाहे उधर से एंट्री कर सकते हैं। चलिए कुछ मछलियाँ दिखा देता हूँ। मछलियों के बाजार में उतना भीड़ तो नहीं है, शायद सुबह भीड़ लगता होगा। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा, अगर अच्छा लगता है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ताज़ा मछलियाँ भी है और सूखी मछलियाँ भी है, तो इधर आना बहुत ही मुश्किल काम है, अगर आपका दिल करे तब आना। तो बहुत ही मतलब स्मेल आ रहा है, अब देखिए मच्छी सब सूखी मछलियाँ हैं, और पता ही है सूखी मछलियाँ कितना स्मेल करती हैं। देखिएगा और कमेंट में बताइए कौन कौन सी मच्छी है। बहुत ही ज़्यादा स्मेल आ रहा है, यहाँ पर रुकना, ज़्यादा देर नहीं रुक पाऊँगा मैं। थैंक यू। तो देखिए भाई साहब, बहुत ही ज़्यादा स्मेल है। और अलग अलग फिश का क्वालिटी है, ये प्रॉन है, टाइगर प्रॉन है शायद, वो भी प्रॉन है, मुझे पता नहीं है, अब इनसे पूछ भी नहीं सकता हूँ। अलग अलग क्वालिटी है फिश का। ओनली वीडियो, केवल वीडियो बना रहा हूँ। तो फिश का मार्केट है, लेकिन आप साफ सफाई देख सकते हैं, और साफ सफाई देखिए और कमेंट में बताइएगा कैसी है साफ सफाई यहाँ पे। एक मक्खी नहीं कहीं है, अगर मक्खी है भी तो चलो मछली का मार्केट है, बहुत ही कम है, लेकिन साफ सफाई बहुत ही ज़्यादा है। यह शायद मार्केट दिन में लगता है। तो मैं करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और MG रोड के पास ही है। तो अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।